नमस्कार दोस्तों, हम सबको पता है कि पुस्तकें ज्ञान का भंडार होती है। पुस्तक पढ़ने से हमें बहुत कुछ ज्ञान मिलता है, बहुत कुछ हमारे समझ में आता है, हमारे ज्ञान में वृद्धि होती है। मतलब पुस्तकें ना सिर्फ ज्ञान का भंडार होती है बल्कि उसके साथ साथ उन्हें पढ़ने से हमारा जो ज्ञान है उस ज्ञान में भी क्या होती है, वृद्धि होती है। आज का जो हमारा टॉपिक है, जब मैंने पहली पुस्तक खरीदी या धर्मवीर भारती जी ने लिखा हुआ गद्य है, इस गद्य में धर्मवीर भारती का पुस्तकों के प्रति क्या कहना है, पुस्तकों के प्रति जो प्यार है उस प्यार को यहां पर प्रस्तुत किया गया है और उसके बारे में हम जानकारी देने वाले हैं। पुस्तकों का क्या महत्व है, पुस्तकें किस काम के लिए लाते हैं, हम उपयोग में लाते हैं और उसका क्या महत्व है, पुस्तकों का जीवन में क्या महत्व है, उसके बारे में यहां पर जानकारी दी गई है और इसे अभी हम देखने वाले हैं। देखिए, हमारे गद्य का नाम है जब मैंने पहली पुस्तक खरीदी। धर्मवीर भारती जी ने लिखा हुआ गद्य, इस गद्य के बारे में हम अधिक जानकारी देखने वाले हैं। देखिए, ये लेखक की बचपन की बात है, लेखक के बचपन की बात है। उस बचपन में लेखक क्या कहना चाहता है हम देखते हैं। बचपन की बात है, उस समय आर्य समाज का सुधारवादी आंदोलन जोर पर था। सुधारवादी यानी सुधार करने वाला। बचपन की बात है, उस समय आर्य समाज का सुधारवादी आंदोलन जोर पर था। कौन से समाज का आंदोलन? आर्य समाज का आंदोलन, सुधारवादी आंदोलन। मतलब समाज के लिए कुछ सुधारणा करने हेतु किया जाने वाला आंदोलन, उसे क्या कहते हैं, सुधारवादी आंदोलन। मतलब सुधार करने वाला आंदोलन। बचपन की बात है, उस समय आर्य समाज का सुधारवादी आंदोलन जोर पर था। मेरे पिता आर्य समाज रानी मंडी के प्रधान थे। प्रधान यानी मुखिया, प्रधान। लेकिन धर्मवीर भारती जी यहां पर बता रहा है कि जब मैं बच्चा था, मेरे बचपन में जब मैं छोटा था, तब आर्य समाज का सुधारवादी जो आंदोलन था, मतलब आर्य समाज में सुधारणा करने हेतु जो आंदोलन किया जा रहा था, वो आंदोलन बहुत ही जोर पर था। और उस समय मेरे पिताजी आर्य समाज के रानी मंडी के कौन थे, प्रधान थे। कौन थे? प्रधान थे। प्रधान यानी मुखिया, मुख्य में। और मां ने स्त्री शिक्षा के लिए आदर्श कन्या पाठशाला की स्थापना की थी। देखो, पिताजी आर्य समाज के कौन थे, मुखिया थे, प्रधान थे, और माँ ने क्या किया था, माँ ने स्त्री शिक्षा के लिए पाठशाला की स्थापना की थी। पिताजी की अच्छी खासी सरकारी नौकरी थी। धर्मवीर भारती जी के पिता एक सरकारी नौकरी में करते थे। देखिए, पिताजी की अच्छी खासी नौकरी थी। वर्मा रोड जब बनी थी तब बहुत कमाया था उन्होंने। धर्मवीर भारती जी के पिता एक सरकारी नौकरी करते हैं, जैसे कि आपके भी पिता कुछ कमाते हैं, किसी के पिता सरकारी नौकरी करते हैं, किसी के पिता के कुछ उद्योग धंधे हैं। क्यों? क्योंकि अपने घर का जो आर्थिक पाप है वो निपटाने के लिए, उसे अच्छा रखने के लिए क्या करना पड़ता है, नौकरी करना पड़ता है या कुछ उद्योग धंधा करना।
उसी प्रकार लेखक धर्मवीर भारती जी के पिता भी अपने घर के लिए क्या करते थे, सरकारी नौकरी भी करते थे, अपने घर वालों के लिए सरकारी नौकरी भी करते थे। आगे देखिए, पिताजी की अच्छी खासी नौकरी थी, बर्मा रोड जब बनी थी तब बहुत कमाया था उन्होंने, लेकिन मेरे जन्म के पहले ही गांधी जी के आह्वान पर उन्होंने सरकारी नौकरी छोड़ दी थी। देखो, लेखक कह रहे हैं कि मेरे जन्म के पहले ही मेरे पिताजी ने क्या किया है, उनकी सरकारी नौकरी छोड़ दी है। वे सरकारी नौकरी करते थे, वो सरकारी नौकरी उन्होंने छोड़ दी है। किसके आह्वान पर? गांधी जी के आह्वान पर। गांधी जी ने बोला था कि क्या करो, अब सरकारी नौकरी छोड़, तो उन्होंने सरकारी नौकरी छोड़ दी थी। आगे देखिए, हम लोग बड़े ही आर्थिक कष्ट से गुजर रहे थे, फिर भी घर में नियमित पत्र पत्रिकाएं आती थी। देखो, जब पिताजी ने सरकारी नौकरी छोड़ दी थी तब लेखक के घर वाले आर्थिक कष्ट में पड़े थे, आर्थिक कष्ट का सामना करते थे, फिर भी आर्थिक बाजू कमजोर होने के बावजूद भी उनके घर में नियमित क्या आती थी, पत्र पत्रिकाएं आती थी, जैसे समाचार पत्र वगैरह, उसी प्रकार के पत्र, समाचार पत्र या पत्रिकाएं आती थी। आर्यमित्र, साप्ताहिक, वेदोदय, सरस्वती, गृहिणी और दो बाल पत्रिकाएं, खास मेरे लिए बाल सखा और चमचम, उनमें होती थी परियों, राजकुमारों, दानवों, सुंदर राजकन्याओं की कहानियां और रेखा चित्र। देखो, लेखक बोल रहे हैं कि हमारे घर की आर्थिक स्थिति भी उतनी अच्छी नहीं थी। पिताजी ने नौकरी छोड़ने के बाद हमारे घर की आर्थिक स्थिति उतनी अच्छी नहीं थी, फिर भी हमारे घर में नियमित रूप से पत्र पत्रिकाएं आती थी। और उतना ही नहीं, उसके साथ साथ मेरे लिए भी दो बाल पत्रिकाएं आती थी। कौन कौन सी दो बाल पत्रिकाएं आती थी? एक बाल सखा और दूसरा चमचम। और उसमें क्या 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 होता था? परियों, राजकन्याओं, दानवों, उनकी क्या होती थी? कुछ कहानियां होती थी और रेखा चित्र भी होते थे। रेखा चित्र यानी क्या? रेखा चित्र, रेखाओं से बनाया गया चित्र, रेखाओं से बनाया गया चित्र, रेखा चित्र। मुझे पढ़ने की चाह हो गई। लेखक के लिए जो बाल पत्रिकाएं आती थी, चमचम और बाल सखा, और बाकी के जो पत्र पत्रिकाएं आते थे उनके घर में, वो सब पढ़ने की चाह लेखक धर्मवीर भारती जी को होती थी, हमेशा होती थी, जैसे आपको होती है। आपके घर में भी समाचार पत्र वगैरह आते हैं तब आपको भी उन्हें पढ़ने की चाह होती है, होती है या नहीं? सबको होती है या नहीं? हाँ। आगे देखिए, हर समय पढ़ता रहता, खाना खाते समय थाली के पास पत्रिकाएं रखकर पढ़ता, अपनी दोनों पत्रिकाओं के अलावा सरस्वती और आर्यमित्र भी पढ़ने की कोशिश करता था। देखो, लेखक के लिए जो दो बाल पत्रिकाएं आती थी उन्हें तो लेखक पढ़ता ही था, लेकिन उसके साथ साथ सरस्वती और आर्यमित्र, ये जो दो पत्रिकाएं होती थी, उन्हें भी लेखक पढ़ना चाहता था और हमेशा पढ़ता था। घर में अन्य पुस्तकें भी थी, उपनिषद और उनके हिंदी अनुवाद, सत्यार्थ प्रकाश के खंडन मंडन वाले अध्याय पूरी तरह समझ में नहीं आते थे। खंडन मंडन वाले अध्याय है मतलब एक को सही और दूसरे को गलत समझना, इस प्रकार का जो चलता है, इस प्रकार की जो बातें चलती है उन्हें खंडन मंडन कहा जाता है। खंडन मंडन वाले अध्याय पाठ पूरी तरह समझ में नहीं आते थे, पर पढ़ने में मजा आता था। लेखक क्या बोल रहे हैं? देखो,
मुझे पढ़ने की चाह थी, मैं तो मेरे हाथ से कौन सा भी पुस्तक पढ़े बिना नहीं छूटता था, कौन सी भी पत्रिकाएं पढ़े बिना नहीं छूटती थी। कुछ पत्रिकाएं ऐसी होती थी कि उनमें खंडन मंडन वाले अध्याय भी होते थे, खंडन मंडन वाले अध्याय मेरे समझ में सरलता से नहीं आते थे, लेकिन फिर भी मैं उन्हें पढ़ता था। क्यों? क्योंकि मुझे उन्हें पढ़ते समय मजा आता था, इसलिए मैं पढ़ता था। मेरी प्रिय पुस्तक थी स्वामी दयानंद की एक जीवनी, रोचक शैली में लिखी हुई, उनके चित्रों से सुसज्जित। वे तात्कालीन पाखंडों के विरुद्ध अदम्य साहस दिखाने वाले अद्भुत व्यक्ति थे। देखो उनके प्रिय पुस्तक, किसकी प्रिय पुस्तक? धर्मवीर भारती जी की प्रिय पुस्तक। कौन सी थी? स्वामी दयानंद की एक जीवनी जो रोचक शैली में लिखी हुई थी, उनके चित्रों से सुसज्जित थी। वे तात्कालीन पाखंडों के विरुद्ध अदम्य साहस दिखाने वाले अद्भुत व्यक्ति थे। कौन? स्वामी दयानंद सरस्वती। तात्कालीन यानी उस समय के। तात्कालीन पाखंडों के विरुद्ध अदम्य यानी जिसे दबाया न जा सके, अदम्य साहस दिखाने वाले अद्भुत व्यक्ति थे। कौन? स्वामी दयानंद सरस्वती, जिनकी पुस्तक धर्मवीर भारती जी को बहुत प्रिय लगती थी, वे यानी स्वामी दयानंद सरस्वती। तात्कालीन पाखंडों के विरुद्ध अदम्य साहस दिखाने वाले अद्भुत व्यक्ति थे। कितनी ही रोमांचक घटनाएं थी उनके जीवन की। किसके जीवन की? स्वामी दयानंद सरस्वती के जीवन की बहुत सारी रोमांचक घटनाएं थी। रोमांचक यानी जो हमें क्या करती थी? रोमांचित करती थी, जो रोंगटे खड़े करती थी ऐसी। देखो कितनी ही रोमांचक घटनाएं थी उनके जीवन की जो मुझे बहुत प्रभावित करती थी। जैसे कि चूहे को भगवान का प्रसाद खाते देख मान लेना कि प्रतिमाएं भगवान नहीं होती। देखो स्वामी दयानंद सरस्वती के जीवन की कुछ ऐसी घटनाएं हैं जिन्हें पढ़ते धर्मवीर भारती जी को बहुत मजा आता था। वे कुछ घटनाएं उन्हें प्रभावित करती थी। ऐसी कौन सी घटना? जैसे कि ईश्वर के सामने प्रसाद रखा है। क्या रखा है? प्रसाद रखा है, लेकिन वो प्रसाद वो ईश्वर खाता है क्या? नहीं खाता है, बल्कि कौन खाता है? वहां पर कोई भी जो प्राणी आए वो खाकर चला जाता है, जैसे कि चूहा आता है और खाकर चला जाता है। उस प्रकार की जो घटनाएं हैं, ये घटनाएं पढ़कर वे मानते थे कि प्रतिमाएं क्या होती है? भगवान नहीं होती है। प्रतिमा ईश्वर की जो प्रतिमा होती है वो क्या नहीं होती? भगवान नहीं होती। क्यों? क्योंकि वो उन्होंने प्रसाद कहां खाया है? प्रसाद तो कौन खाकर चला गया है? चूहा खाकर चला गया है, मतलब ईश्वर का अस्तित्व नहीं है, ऐसा वे मानते थे। कौन? स्वामी दयानंद सरस्वती। चूहे को भगवान का प्रसाद खाते देखकर मान लेना कि प्रतिमाएं भगवान नहीं होती, घर छोड़कर भाग जाना, तमाम तीर्थों जंगलों गुफाओं हिम शिखरों पर साधुओं के बीच घूमना। देखो स्वामी दयानंद सरस्वती कहां जाते थे? देखो घर छोड़कर चले जाते थे, कहां जाते थे? तीर्थ स्थानों में चले जाते थे, जंगलों में चले जाते थे, गुफाओं में चले जाते थे, उसके साथ साथ और कहां जाते थे? साधुओं के बीच, साधुओं का वेश करके उनके बीच में घूमते थे, उनके साथ घूमते थे। हिम शिखरों पर साधुओं के बीच घूमना और हर जगह इसकी तलाश करना कि भगवान क्या है, सत्य क्या है। वे घूमते थे तीर्थ स्थानों में, घूमते थे जंगलों में, घूमते थे गुफाओं में, घूमते थे साधुओं के बीच हिम शिखरों पर घूमते थे। हिम शिखर यानी बर्फीली चोटियां, हिम शिखरों में घूमते थे। और क्या? क्यों घूमते थे? क्योंकि उनको खोज करनी है, तलाश करनी है कि भगवान क्या है, भगवान कहाँ है, सत्य क्या है। जो भी समाज विरोधी मनुष्य विरोधी मूल्य है, रूढ़ियां है, उनका खंडन करना और
सब मेरे बाल मन को बहुत रोमांचित करता था। ये जो मुख्य आदतें हैं स्वामी दयानंद जी की, ये सारी आदतें मुझे बहुत आती थी, मेरे मन को प्रभावित करती थी। किसकी बातें? स्वामी दयानंद की बातें मुझे प्रभावित करती थी, इसलिए मेरे बाल मन को वो बहुत रोमांचित करती थी। मेरे रोंगटे खड़े हो जाते थे, रोमांचित करना यानी रोंगटे खड़े हो जाना। आगे देखिए, मां स्कूली पढ़ाई पर जोर देती थी। अब बारी आई है लेखक के मां की। हाँ, पहले हमने देखा है लेखक के पिताजी के बारे में जानकारी देखी है, बराबर है। उसके बाद कौन कौन सी पत्रिकाएं आती थी उसके बारे में जानकारी देखी है। उसके बाद स्वामी दयानंद के बारे में जानकारी देखी है। अभी हम देख रहे हैं मां के बारे में, क्या मां का क्या कहना है वो हम देखेंगे। मां का क्या कहना है उसे हमें देखना है। देखो, किसकी मां? धर्मवीर भारती जी की मां। मां स्कूली पढ़ाई पर जोर देती थी, चिंतित रहती कि लड़का कक्षा की किताबें नहीं पढ़ता, पास कैसे होगा, कहीं साधु बनकर घर से भाग गया तो। देखो, लेखक की मां हमेशा चिंतित रहती थी। क्यों? क्योंकि लेखक हमेशा क्या करता था, स्वामी दयानंद का चरित्र पढ़ता था। हाँ, वो उनकी आदतों से प्रभावित हो चुका था। हाँ, उनकी पुस्तकें पढ़ते समय वो रोमांचित होता था। हाँ, देखो, इसलिए माँ को डर है कि वो स्कूल नहीं जा रहा है, वो सिर्फ घर में किताबें पढ़ रहा है। अगर वो स्कूल नहीं गया तो उसकी स्कूल की पढ़ाई नहीं होगी, अगर स्कूल की पढ़ाई नहीं होगी तो वो पास नहीं होगा। हाँ, देखिए, माँ स्कूली पढ़ाई पर जोर देती, चिंतित रहती कि लड़का कक्षा की किताबें नहीं पढ़ता, पास कैसे होगा। जैसे कि आपकी माँ चिंतित होती है, अरे मेरा बेटा पढ़ाई नहीं कर रहा है। हाँ, और वो आपको बार बार डांटती रहती है। क्यों? क्योंकि उसे चिंता रहती है कि अगर आपने पढ़ाई नहीं की तो आप पास नहीं हो सकोगे। उसी प्रकार यहाँ पर धर्मवीर भारती जी की जो माँ है, हाँ, उन्हें भी डर है कि मेरा बेटा कक्षा पढ़ाई की किताबें नहीं पढ़ रहा है। हाँ? कक्षा की किताबें नहीं पढ़ रहा है, अगर कक्षा की किताबें उसने नहीं पढ़ी तो पास नहीं हो सकता। हाँ? कहीं साधु बनकर अगर घर से भाग गया तो। पिता कहते जीवन में यही पढ़ाई काम आएगी, पढ़ने दो। और पिता बोल रहे हैं कि रहने दो, अगर कक्षा की किताबें नहीं पढ़ रहा है तो मत पढ़ने दो। अभी ये जो किताबें वो पढ़ रहा है, ये भी किताबें जीवन में कैसी है, काम में आने वाली है, इसलिए उसे ये भी किताबें पढ़ने दो। मुझे स्कूल नहीं भेजा गया था, शुरू की पढ़ाई के लिए घर पर मास्टर रखे थे। देखो, लेखक की जो शुरू शुरू की जो पढ़ाई थी, उस शुरू की पढ़ाई के लिए घर पर मास्टर रखे थे। मास्टर उनके घर में आते थे और पढ़ाकर चले जाते थे। पिता ये नहीं चाहते थे कि नासमझ उम्र में मैं गलत संगति में पढ़कर गाली गलत सीखूं, बुरे संस्कार ग्रहण करूं। देखो, पिताजी का क्या कहना था कि अगर ये स्कूल में गया तो स्कूल में जाकर वो किसी गलत लड़के के संगति में जाएगा, संगति से जाएगा और कुछ गलत सीखेगा उससे। तो उसके पिताजी चाहते थे कि मेरा बेटा घर पर ही रहे। क्यों? क्योंकि गाली गलौज ना सीखे। हाँ? अगर वो स्कूल में गया तो गलत संगति में फंस जाएगा और वो गाली गलौज सीखेगा, गाली देना सीखेगा। तो पिताजी ये सारी बातें नहीं चाहते थे, उन्हें अपने लड़के को मतलब धर्मवीर भारती जी को अच्छा बनाना था। हाँ? पिताजी नहीं चाहते थे कि ना समझ उम्र में मैं गलत संगति में पढ़कर गाली गलौज सीखूं, बुरे संस्कार ग्रहण करूं। अतः स्कूल में मेरा नाम तब लिखाया गया जब मैं कक्षा 2 तक की पढ़ाई घर पर कर चुका था। देखो, दूसरी तक की पढ़ाई, दूसरे दर्जे
की पढ़ाई लेखक ने कहा की थी, घर में ही की थी। मास्टर जो उनके घर में आते थे और उन्हें पढ़ाने का काम करते थे। वो कौन सी कक्षा तक हुआ? दूसरी कक्षा तक हुआ। अब तीसरी कक्षा में, तीसरी कक्षा से लेकर कहां जाने लगा है? पाठशाला में जाने लगा है। देखिए, तीसरे दर्जे में भर्ती हुआ। उस दिन शाम को पिताजी उंगली पकड़कर मुझे घुमाने ले गए। लोकनाथ की दुकान से ताजा अनार का शरबत मिट्टी के कुल्हड़ में पिलाया और सिर पर हाथ रखकर बोले, वायदा करो कि स्कूल की किताबें भी इतने ही ध्यान से पढ़ोगे, माँ की चिंता मिटाओगे। देखो, तीसरे दर्जे में भर्ती करवाने के बाद शाम को जब लेखक घर में आए, धर्मेंद्र भारती जी घर में आए स्कूल से, तब पिताजी ने क्या किया है? पिताजी उन्हें लेकर बाहर घूमने चले गए हैं। और बाहर जाने के बाद लेखक को मिट्टी के कुल्हड़ में क्या दिया है? शरबत पीने के लिए दिया है। लेखक ने वो शरबत को पिया है और उसके बाद पिताजी ने क्या किया है? लेखक के सिर पर हाथ फेरते हुए क्या कहा है कि वायदा करो मेरे साथ, वायदा करो मतलब वादा करो कि अब तू क्या करेगा, स्कूल की किताबें भी अच्छी तरह से पढ़ेगा। आगे देखो, और बाकी चिंता मिटाओगे। उनका आशीर्वाद था या मेरा जीत और परिश्रम की, तीसरे चौथे दर्जे में मेरे अच्छे नंबर आए। उनका आशीर्वाद था या मेरी जीत और परिश्रम की, तीसरे चौथे दर्जे में मेरे अच्छे नंबर आए और पांचवें दर्जे में तो मैं प्रथम आया। माँ ने आंखों में आंसू भरकर मुझे गले लगा लिया। पिताजी मुस्कुराते रहे, कुछ बोले नहीं। देखो, पिताजी ने मिट्टी के कुल्हड़ में शरबत पिलाने के बाद जो भी कुछ कहा वो मेरे लिए, मतलब धर्मेंद्र भारती जी के लिए आशीर्वाद था। एक आशीर्वाद था। और उससे क्या, उसके बाद क्या होने लगा? लेखक जीत और परिश्रम करने लगा, पढ़ाई करने लगा। तीसरी चौथी में उसके उनके अच्छे नंबर आए और पांचवी दर्जे में, पांचवी कक्षा में उनका पहला नंबर आया है। देखो, प्रथम क्रमांक आया है। और उसके बाद क्या हुआ है? उनकी जो माँ है, उस माँ की आंखों में आंसू आने लगे हैं। जैसे कि जब आपका पहला क्रमांक आता है कक्षा में, तब आपके माँ के भी आंखों से आंसू आने लगते हैं। लेकिन वे आंसू कैसे रहते हैं? खुशी के आंसू रहते हैं। कैसे आंसू रहते हैं? खुशी के आंसू रहते हैं। देखिए, माँ ने आंखों में आंसू भरकर मुझे गले लगा लिया। पिताजी मुस्कुराते रहे, कुछ बोले नहीं। आगे देखो, अंग्रेजी में मेरे नंबर सबसे ज्यादा थे, अतः स्कूल से इनाम में अंग्रेजी की दो किताबें मिली। एक में दो छोटे बच्चे दोस्तों की गोद में बागों और कुंजों में भटकते हैं और इस बहाने पक्षियों की जातियां, उनकी बोलियां, उनकी आदतों की जानकारी उन्हें मिलती मिलती है। दूसरी किताब में, दूसरी किताब थी ट्रस्टी द रग, जिसमें पानी के जहाजों की कथाएं थी। वे कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन सा माल आजकल लाते हैं, कहाँ ले जाते हैं, नाविकों की जिंदगी कैसी होती है, उन्हें कैसे कैसे जीव मिलते हैं, कहाँ हवेल होती है, कहाँ शार्क होती है। देखो, पांचवी कक्षा में जब लेखक प्रथम आया, तब लेखक को स्कूल से दो पुस्तकें इनाम के रूप में मिली। कितनी पुस्तकें? दो पुस्तकें इनाम के रूप में मिली है। उसमें जो पहला पुस्तक था, एक पुस्तक था, उस पुस्तक में पक्षियों के बारे में जानकारी थी, मतलब पक्षियों, कौन से पक्षी का घोंसला किस प्रकार होता है, पक्षियों की बोलियां कैसी होती है, उनकी कौन कौन सी जातियां होती है, उसकी जानकारी देने वाला एक किताब था। और जो दूसरा किताब था, वो दूसरा किताब ट्रस्टी द रग, जिसमें पानी पर चलने वाली जहाजों की कथाएं थी, नाविकों की जिंदगी किस प्रकार की होती है, उन्हें यात्रा करते समय कौन कौन से
पढ़ने को मिलती थी। आगे देखिए, इन दो किताबों ने मेरे लिए एक नई दुनिया का द्वार खोल दिया। पक्षियों से भरे आकाश और रहस्यों से भरा समुद्र पिता के अलमारी के एक खाने में अपनी चीजें हटाकर जगह बनाई और मेरी दोनों किताबें उस खाने में रखकर कहा, आज से यह खाना तुम्हारी अपनी किताबों का, यह तुम्हारी लाइब्रेरी है, यहाँ से आरंभ होगी उस बच्चे की लाइब्रेरी। इसका कारण भी बचपन का एक अनुभव है। देखो, वो जो दो किताबें मिली थी, एक किताब में पक्षियों की जानकारी और दूसरी किताब में पानी पर चलने वाले जहाजों की जानकारी। हाँ, तो कौन कौन सा माल लाद कर लेते थे, कहाँ लेकर जाते थे, हाँ, उनमें कौन कौन से जीवों उनको कौन कौन से जीवों का सामना करना पड़ता था, शार्क कहाँ होती थी, हवेल कहाँ होती है, उसके बारे में उस किताब में जानकारी दी थी। हाँ, ये दो किताबें लेखक को इनाम के रूप में मिलने के बाद, देखो यहाँ पर लेखक बोल रहे हैं कि मेरी पूरी जिंदगी बदल दी है वो दो किताबों ने। देखिए, दुनिया में नए द्वार खोल दिए हैं दो किताबें मिलने के बाद। लेखक धर्मवीर भारती जी के जो पिताजी है, उन्होंने क्या किया है, अलमारी में से एक खाना खाली किया है और लेखक को खाना खाली करके दिया है उन दो किताबों को रखने के लिए, और उन्हें कहा कि ये खाना आज से तेरे लिए, ये तेरी निजी लाइब्रेरी है, समझो क्या है, लाइब्रेरी है समझो, आज से तू तेरी किताबें यहां पर रख सकता है। देखिए, अपने मोहल्ले में एक लाइब्रेरी थी हरिमोहन। स्कूल से छुट्टी मिलते ही मैं उसमें जाकर जम जाता था। देखो, कौन सी लाइब्रेरी थी, हरिमोहन नाम की लाइब्रेरी थी। कौन से नाम की लाइब्रेरी थी, हरिमोहन नाम की लाइब्रेरी थी। और स्कूल से छुट्टी होते ही लेकर कहा जाता था, उस हरिमोहन लाइब्रेरी में जाता था और वहां पर किताबें पढ़ने के लिए बैठता था। अपने मोहल्ले में एक लाइब्रेरी थी हरिमोहन। स्कूल से छुट्टी मिलते ही मैं उसमें जाकर जम जाता था। पिता का देहांत हो चुका था, लाइब्रेरी का चंदा जुटाने के लिए पैसा नहीं था। देखो, लेकिन स्कूल छूटने के बाद वहां पर जाता था किताबें पढ़ने के लिए। पिता का देहांत होने के कारण लाइब्रेरी का चंदा जुटाने के लिए उसके पास पैसे नहीं थे, तो लेकर क्या करता था, धर्मवीर भारती जी क्या करता था, वहां लाइब्रेरी में ही बैठकर किताबें पढ़ता था। हाँ, अगर किताबें घर में लेकर जाना है तो चंदा चुकाना पड़ेगा, पिताजी का देहांत होने के कारण उनके पास पैसे नहीं है तो किताबें घर में लेकर नहीं जा सकते हैं, इसलिए लेकर क्या करते थे, उधर ही लाइब्रेरी में ही बैठकर किताबें पढ़ते थे। देखिए, अतः वही बैठकर किताबें लेकर पढ़ता रहता था। छोटे से हरिभवन में खूब उपन्यास थे, वही परिचय हुआ बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के दुर्गेश नंदिनी। देखो, वहां पर जहां पर लेकर किताबें पढ़ने के लिए बैठते थे, पुस्तकें पढ़ने के लिए बैठते थे हरिभवन लाइब्रेरी में, वहां पर लेखक का कौन कौन से किताबों के साथ परिचय हुआ है देखिए, वही परिचय हुआ बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के दुर्गेश नंदिनी, कपालकुंडला और अनंत मठ से तथा टॉल्स्टॉय की अन्ना करेनिना, विक्टर युगो की पेरिस का टुकड़ा, गोर्की की मदर और सबसे मनोरंजक सर्वाइंस का विचित्र वीर अर्थात डॉन विक्टोर। हिंदी भाषा में सारी दुनिया के कथापात्रों से मुलाकात करना कितना आकर्षक था। देखो, लाइब्रेरी खुलते ही पहुंच जाता और जब लाइब्रेरी शुक्ला जी कहते कि बच्चा अब उनको पुस्तकालय बंद करना है, तब बड़ी अनिच्छा से उठता। देखो, लेकर स्कूल छूटते ही हरिमोहन लाइब्रेरी में किताबें पढ़ने के लिए जाता था। वहां जाने के बाद बहुत सारे पुस्तकों के साथ उनका परिचय हुआ है, और बहुत देर तक किताबें पढ़ता रहता था, और जब तक हरिमोहन लाइब्रेरी के लाइब्रेरियन शुक्ला जी जब तक नहीं कहते कि बच्चा उठो,
अब लाइब्रेरी बंद करने का समय हो गया है, तब तक वो वहां से नहीं उठता था। आगे देखो, जिस दिन कोई उपन्यास अधूरा छूट जाता उस दिन मन में कसम होती कि काश इतने पैसे होते कि सदस्य बनकर किताब इशू करा लाता या इस किताब को खरीद पाता तो घर में रखता। एक बार पढ़ता, दो बार पढ़ता, बार बार पढ़ता, पर जानता था कि यह सपना ही रहेगा। है तो कभी कभी ऐसा भी होता था कि देख लो पढ़ने का उपन्यास पढ़ते समय वो उपन्यास जब उनके हाथ से अधूरा छूट जाता था तब उन्हें ऐसा लगता था अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं क्या करता था, ये किताब पैसे देकर इशू करता था और घर में लेकर जाता था। घर में लेकर जाता था, एक बार पढ़ता, दो बार पढ़ता, बार बार उसे मैं पढ़ता रहता, पर ये मेरा जो सपना है ये सपना ही रहेगा। ऐसा कौन सोचता था, धर्मवीर भारती जी लेखक। आगे देखिए, भला पैसे पूरा हो पाएगा, पिता के देहावसान के बाद, देहावसान, देहावसान यानी मृत्यु, पिता के देहावसान के बाद तो आर्थिक संकट इतना बढ़ गया कि पूछिए मत। फिर भी मैंने जीवन की पहली साहित्यिक पुस्तक अपने पैसों से कैसे खरीदी यह आज तक याद है। देखिए, लेखक के पिताजी ने अपनी सरकारी नौकरी छोड़ दी थी, घर में आर्थिक संकट बढ़ रहा था, फिर भी लेखक ने अपनी जो पढ़ने की जो आदत है, किताबें पढ़ने की जो आदत है, उस आदत को नहीं छोड़ा है दोस्तों। देखिए, लेखक का कहना यह है कि जीवन की मैंने जो पहली पुस्तक खरीदी, जो साहित्यिक पुस्तक मेरे जीवन में जो पहली पुस्तक खरीदी वो मैंने किस प्रकार खरीदी उसकी उसकी भी एक कहानी है और वह कहानी मुझे अभी भी याद है। देखिए, उस साल मैंने इंटरमीडिएट पास किया था। कौन बोल रहे हैं, धर्मवीर भारती जी बोल रहे हैं कि मैंने मेरे जीवन की पहली पुस्तक किस प्रकार खरीदी है उसके बारे में अभी मैं आपको बताता हूं। मैं मतलब कौन, धर्मवीर भारती जी। देखिए, उस साल मैंने इंटरमीडिएट पास किया था, पुरानी पुस्तकें बेचकर बीए की पाठ्य पुस्तकें लेने सेकेंड हैंड बुक शॉप पर गया। उस बार जाने कैसे पाठ्य पुस्तकें खरीदने के बाद भी ₹2 बच गए थे। सामने के सिनेमा घर में देवदास लगी थी, देवदास फिल्म, कौन सी फिल्म लगी थी, देवदास फिल्म लगी थी। हाँ, देखो, लेखक ने बीए की पुस्तकें खरीदी है और पुस्तकें खरीदने के बाद भी उनके पास कितने पैसे बचे हैं, ₹2 बचे हैं। कितने रुपए बचे हैं, ₹2 बचे हैं। सामने के सिनेमा घर में देवदास लगी थी वाली बहुत चर्चा थी उसकी, लेकिन मेरी माँ को सिनेमा देखना बिल्कुल नापसंद था, उसी से बच्चे बिगड़ते हैं, लेकिन उसके गाने सिनेमा घर के बाहर बजते थे। उसमें सरल का एक गाना था, दुख के दिन अब बीतत नाही, दुख के दिन अब बीतत नाही, उसे मैं अक्सर गुनगुनाता रहता था। कभी कभी गुनगुनाते हुए आंखों से आंसू भी आ जाते थे, न जाने क्यों। देखो, देवदास फिल्म लगी थी जहां पर लेखक सेकेंड हैंड जो बुक स्टॉल पर गया था और वहां से भी एक किताबें खरीदी है लेखक ने, और फिर भी कितने रुपए बचे हैं, ₹2 बचे हैं, और सामने जो थिएटर था उसमें देवदास फिल्म लगी थी, उस फिल्म की बहुत चर्चा थी, लेकिन लेखक का भी मन कर रहा था, लेकिन उनकी माँ को सिनेमा देखना नापसंद था। उनका कहना था कि सिनेमा देखने से बच्चे बिगड़ जाते हैं, इसलिए लेखक नहीं गया है। आगे देखो, लेकिन उसका जो गाना था वो गाना लेकिन हमेशा गुनगुनाता रहता था। कौन सा गाना,
दुख के दिन अब बीतत नहीं। आगे देखो, मैं अक्सर गुनगुनाता रहता, कभी कभी गुनगुनाते हुए आंखों में आंसू भी आ जाते थे, न जाने क्यों। एक दिन माँ ने सुना, माँ का दिल तो आपके माँ का दिल है। एक दिन बोली, दुख के दिन बीत जाएंगे बेटा, दिल इतना छोटा क्यों करता है। देखो, एक दिन माँ ने अपने बेटे को रोते हुए देखा है, और वो बोली है, वो गाना गुनगुनाते हुए देखा है, और माँ बोली है कि दुख के दिन भी बीत जाएंगे बेटा, दिल इतना छोटा मत कर, इतना कमजोर मत कर, धीरज से काम ले। जब तुम्हें मालूम हुआ कि यह तो फिल्म देवदास का गाना है, तो सिनेमा की घोर विरोधी माँ ने कहा, अपना मन क्यों मारता है, जाकर पिक्चर देगा, पैसे मैं दे दूंगी। देखो, इस हालत में अपने बेटे को देखते हुए एक माँ का दिल आखिर माँ का दिल होता है। देखो, उसके माँ ने क्या कहा है कि जा, अगर देवदास फिल्म लगी है तो उस फिल्म को तो देखकर आ, पैसे मैं देती हूँ। मैंने माँ को बताया कि किताबें बेचकर 2 रुपए मेरे पास बचे हैं, वे 2 रुपए लेकर फिर देखने गया। पहला शो छूटने में देर थी, पास में अपनी परिचित किताब की दुकान थी, वहां जाकर पुस्तकें देखने लगा। सहसा देख काउंटर पर एक पुस्तक रखी थी, देवदास। देखो, एक पहली फिल्म शुरू थी, पहला शो शुरू था और उसे छूटने में देरी थी। तब तक लेखक ने क्या सोचा कि मैं कहां पर जाता हूँ, जो पुस्तक की दुकान पर जाता हूँ और वहां वहीं पर रुकता हूँ, और वहीं पर लेखक ने काउंटर पर एक पुस्तक देखी है। कौन सी पुस्तक देखी है? देवदास पुस्तक देखी है। कौन सी पुस्तक देखी है? देवदास। लेखक शरदचंद्र चट्टोपाध्याय, दाम केवल 1 रुपया। मैंने पुस्तक उठाकर उल्टी पाल ली तो पुस्तक विक्रेता बोला, तुम विद्यार्थी हो, यही अपनी पुस्तकें बेचते हो, हमारे पुराने ग्राहक हो, तुमसे कमीशन नहीं दूंगा, केवल 10 आने में यह किताब दे दूंगा। मेरा मन पलट गया। देखो, उस किताब को देखकर लेखक के मन में क्या आ रहा है, देखो लेखक के मन की स्थिति क्या हो गई है। उसे लग रहा है, अगर ये किताब अगर मुझे मिल जाए तो बहुत अच्छा हो जाएगा। कौन सी किताब है? देवदास किताब है। अंदर फिल्म लगी है, सिनेमा लगा है, कौन सा? देवदास। पर काउंटर पर किताब भी कौन सी है? देवदास है, जो वो पुस्तक विक्रेता उसे 10 आने में देने के लिए तैयार है। उसका मूल्य है 1 रुपया, लेकिन लेखक उसका पुराना ग्राहक होने के कारण उसे सिर्फ 10 आने में वह किताब मिल रही है। देखो, मेरा मन पलट गया, कौन देखे 1.5 रुपए में पिक्चर, 10 आने में देवदास खरीदी। जल्दी जल्दी घर लौट आया और 2 रुपए में से बचे 1 रुपया 6 आने माँ के हाथ पर रख दिए। अरे, तू लौट कैसे आया, पिक्चर देखने नहीं गया? माँ ने पूछा। नहीं माँ, फिर नहीं देखी, जब किताब ले आया। देखो, माँ की आंखों से आंसू आ गए, खुशी के थे या दुख के यह नहीं मालूम। वह मेरे अपने पैसे से खरीदी मेरी अपनी निजी लाइब्रेरी की पहली पुस्तक थी। कौन सी पुस्तक? देवदास। धर्मवीर भारती जी ने अपने पैसों से खरीदी हुई पहली पुस्तक कौन सी थी? देवदास। जब मैंने पहली पुस्तक खरीदी, इस गद्य के बारे में जो जानकारी थी, यह जानकारी यहाँ पर समाप्त हो चुकी।